हाय फ्रेंड्स, नॉलेज स्कूल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ करके वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए। तो आज हम जानने वाले हैं कि कैसे आप अपने क्लिपबोर्ड में हिस्ट्री जो आप कॉपी करते हैं किसी भी चीज़ को, उसको आप सेव करके रख सकते हैं। तो इसके लिए आपको विंडो वी दबाना है, जिसके बाद आप देखेंगे आपके पास एक ऐसी सेटिंग आ जाएगी जहाँ पे वो बोलेगा कैंट शो हिस्ट्री। यहाँ पे आपको इसको टर्न ऑन कर लेना है। इसको टर्न ऑन करने के बाद आपके पास क्लिपबोर्ड की सारी हिस्ट्री रहेगी, जो भी चीज़ आप कॉपी करेंगे वो सारी आपकी यहाँ पे रहेंगी। तो आप इसको टर्न ऑन कर लेते हैं। अब इससे क्या होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं पहले नोटपैड खोल लेता हूँ। अब यहाँ पे जैसे ये नॉलेज और स्कूल है, तो मैं पहले अगर नॉलेज को कॉपी करता हूँ, लास्ट में मैं स्कूल को कॉपी करता हूँ। अब अगर आप देखेंगे, मैं अगर विंडो वी दबाऊंगा तो यहाँ पे आपको नॉलेज भी दिखेगा और स्कूल भी दिखेगा। तो आपको जो पेस्ट करना है, मान लीजिए अगर आपको नॉलेज पेस्ट करना है तो आप यहाँ से नॉलेज पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको स्कूल पेस्ट करना है तो वापस से विंडो भी दबाइए, यहाँ से स्कूल पेस्ट कर लीजिए। तो इससे आपको इजी होगा कि आपको बार बार किसी चीज़ को टाइप नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने 10 चीज़ों को कॉपी करके भी रखा है तो आपको 10 चीज़ों को अपने अपने जगह पर यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।